Very good. I am using this augmented reality, virtual reality. In fact, this is called extended reality. और इसको mixed reality भी इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि मैं अभी जो देख रहा हूँ, मेरे सामने एक धड़कता हुआ दिल है, जो ह्यूमन हार्ट सिस्टम है उसको एक्सप्लेन किया गया है किस तरीके से लंग्स और हार्ट फंक्शन कर रहे हैं, और मैं इसे घुमा करके किसी भी डायरेक्शन से, किसी भी तरफ से, अब हो सकता है कि वीडियो जो प्रवीण शूट कर रहा है इसमें दिखाई ये पड़ रहा होगा कि मैं अपने हाथ में किसी डिवाइस को घुमा रहा हूँ, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ वो ह्यूमन हार्ट सिस्टम को मैं घुमा रहा हूँ। और आई डोंट नो, ये जो मैं देख रहा हूँ ये वीडियो में शायद मेरे साथ नहीं आना चाहिए, और जो इसको अगर कैप्चर करके आप लोग मिला सकते हो तो शायद ज्यादा अच्छा लगेगा। और यहाँ पे डिटेलिंग भी दी गई है कि क्या है, ये लिखा हुआ है ह्यूमन हार्ट, मैं साफ नहीं देख पा रहा हूँ, फिर अच्छा लिखा हुआ था हार्ट। अच्छा, ये एक्सप्लेन किया गया है पूरा कि हार्ट कैसे फंक्शन करता है, कैसे ब्लड प्यूरिफाई करता है, कैसे ब्लड पंप करता है। और यहाँ पर ये अच्छा, ओ यह आर्टरीज के बारे में भी है, ये क्या है, राइट वर्टिकल्स और यहाँ लेफ्ट वर्टिकल्स, पल्मोनरी ट्रंक, अच्छा सुपीरियर, जिसको मतलब तो किसी भी चीज को स्टूडेंट्स को फोटो में दिखाने के बजाय डायरेक्टली उसका 3D हम लोग दिखा सकते हैं। और इसमें सारे टॉपिक्स के वीडियोस, इसमें पहले से प्रीलोडेड है ना, और जो जो चीज प्रीलोडेड है उसको हम बच्चे को दिखा सकते हैं। अगर स्टूडेंट अपना कंटेंट लोड करना चाहे, अगर हम लोग अपना कंटेंट क्रिएट करना चाहे खुद का, कर सकते हैं ना। भविष्य जो है वो इसी तरह की टेक्नोलॉजी का है, जहाँ पर हम लोग पूरा उलट गया, कई तरह की टेक्नोलॉजी सर अभी आ रही है जैसे इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में, टच नहीं होगा, टच किया जाए मशीन डिजाइनिंग है, जैसे मिक्स रियलिटी के अंदर आप अंदर जाके खुद डिजाइन कर सकते हैं किसी चीज को, मशीन को या कंप्यूटर्स को या सॉफ्टवेयर टाइप का कोई ग्राफिक्स को, इसके अंदर जाके भी हम डिजाइन कर सकते हैं। मिक्स रियलिटी, दिस वाज इंटरेस्टिंग, और मुझे लगता है कि इसमें काफी सारा अभी और इनोवेशन भविष्य में होगा। और ये जो ग्लासेस वगैरह दिए गए हैं ये 3D के लिए, डायरेक्ट अगर देखना हो, अगर ओपन देखना हो, इनफैक्ट क्या दिखता है मैं वो दिखाता हूँ, कुछ एक जगह दिखाते हैं। आप कैमरा स्मॉल करिएगा, ये इधर दो, अभी तो डिवाइस दिख रही है, लेकिन इसी डिवाइस पर ये देखिए, अभी जैसे ये हार्ट के बारे में आया है, अभी जैसे घुमाएंगे वैसे वैसे ये हार्ट घूमता है, जो जो कॉन्टेंट है वो कॉन्टेंट अभी देखा है, यहाँ कुछ और है और यहाँ मोबाइल में जो दिख रहा है वो कुछ और है। जब आप ये वीआर पहन लेते हैं तो फिर आपको वो दिखाई पड़ेगा जो कॉन्टेंट आप वीआर में देख रहे हैं, और उसके बारे में जो जो स्लाइड्स आएंगे, जो जो विजुअल्स आएंगे, वो सारा कुछ आप यहाँ पर देख पाएंगे। अब ये हार्ट सिस्टम को स्टडी कर रहे हैं, अगर हमको सोलर सिस्टम को स्टडी करना है, हमको यूनिवर्स को स्टडी करना है, हमको अगर जियोग्राफिकल जो हमारे जो माउंटेन्स है, जो रिवर्स है, हमको अगर स्टडी करना है कोई रोबोटिक्स डिवाइस को, कोई AI डिवाइस को, हम वो सारी चीजों को इसी तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल विजुअल फॉर्मेट में, और उसको 3D की तरह उसको हम लोग यहाँ पर यूज करके देख सकते हैं। मुझे लगता है कि ये एक बच्चे के हाथ में इस तरीके से पूरा वो आ जाएगा कि जब जिस चीज को देखना हो उसको वैसे देख सकता है, विजुअली कंप्लीट, विजुअली 3 डायमेंशन में, और ये 6 डायमेंशन तक देख सकते हैं। हाँ, और इस तरह का कंटेंट क्रिएट होगा वो भी काम करेगा।
too high. Be sure to keep the mountain in sight. Fly forever if you keep it tight.